आज के गेमिंग न्यूज के एपिसोड में आपको GTA 6, GTA 5 लाइट, माइनक्राफ्ट, राजी, COD एंड और भी काफी गेम्स की इंटरेस्टिंग न्यूज पता लगेगी। तो एंड तक जरूर देखना, लाइक का बटन दबा देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आपको बताइए कि राजी एंड एंजियन टेबिक का एनहांस एडिशन आने वाला है। अब उन्होंने एक नया फीचर टीज किया है जो उसमें आने वाला है एंड वो फीचर है जूम इन एंड जूम आउट का। मतलब आप गेम खेलते वक्त, एक्सप्लोर करते वक्त, इवन बैटल्स में जूम इन एंड जूम आउट कर पाओगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा फीचर है। आप थोड़ा पास से भी देख सकते हो ग्राफिकल डिटेल्स को। वैसे आप बताओ कि क्या आप राज्य का मोबाइल गेम चाहते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पबजी की तरफ से एंड आप हैरान हो जाओगे कि पबजी पीसी एंड पबजी मोबाइल या BGMI में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। वैसे तो पबजी अभी तक पेड गेम था एंड पबजी मोबाइल फ्री गेम, बट फिर भी पबजी मोबाइल ने पबजी फॉर पीसी एंड कंसोल्स को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। पबजी से क्राफ्टन ने कमाया $333.6 million एंड पबजी मोबाइल से कमाया $1.18 billion, मतलब तीन गुना से भी ज्यादा। क्राफ्टन का कहना है कि इंडिया में BGMI के लॉन्च होने की वजह से एंड पबजी न्यू स्टेट की वजह से रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। बाकी ये इस बात का सबूत है कि मोबाइल गेमिंग ऑलरेडी पीसी एंड कंसोल गेमिंग से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, इसलिए सारी बड़ी कंपनीज लाइक EA या फिर Activision अब मोबाइल गेम्स पे उतना फोकस कर रही है जितना वो पहले पीसी एंड कंसोल गेम्स पर करती थी। बाकी क्राफ्टन के प्लान्स तो क्लियर है कि वो इस साल कुछ नए पीसी एंड मोबाइल गेम्स लॉन्च करने वाले हैं और अब तो वो Web3, NFT एंड मेटा में भी अपनी जगह बनाएंगे। बात करें फ्री गेम्स की तो इस वीक एपिक गेम्स स्टोर पे विंडबाउंड फ्री मिल रहा है जिसे आप क्लेम कर सकते हो। एक सर्वाइवल गेम है जिसमें आप एक ट्रैवलर हो एंड आइलैंड पे फंस गए हो, तो आपको रिसोर्स इकट्ठे करने हैं, बोट बनानी है और निकलना है। नेक्स्ट वीक जो है वो ब्रदर अ टेल ऑफ टू सन्स फ्री मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने सुना है कि इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, खासकर इसकी स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा स्टीम पे वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की एक DLC फ्रेंच एक्सप्रेस पैक भी फ्री मिल रही है। ये वैसे एक फ्री गेम है बट इसकी DLCs पेड है, जिनमें से एक आप फ्री क्लेम कर सकते हो। आपको बताइए कि मोदी जी ने गेमिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है पास में, पर इस बार उन्होंने गेमिंग को लेकर पॉजिटिव बातें बोली एंड स्पेशली मोबाइल गेमिंग के लिए। उन्होंने कहा है कि अभी इंडिया टॉप 5 मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज में आता है और अगले 2 साल में इसकी वर्थ 3 लाख करोड़ की हो जाएगी। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल गेम्स खेलने से रोक नहीं पा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडियन गेम्स खेलें एंड इंडिया में ऐसे गेम्स बनाएं जो बाहर के लोग खेलेंगे, ताकि इंडिया ग्लोबल गेमिंग हब बन पाए। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे भाई फौजी जैसे गेम खेले क्या, तो भाई इंडिया में सिर्फ फौजी नहीं बना, राजी भी बना है, मुंबई गली से इंडस बन रहे हैं, बाकी और भी गेम्स है। तो इंडियन गेम्स खेलने का मतलब है कि इंडिया में अच्छे गेम्स बनाना शुरू करो, ताकि ऑडियंस के पास कोई और चॉइस ही ना हो इनको खेलने के अलावा। एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल बहुत जल्द आने वाले हैं और ऐसे लीक्स निकल के आ रहे हैं कि इसमें 90 FPS का भी सपोर्ट होगा, मतलब आपका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ हो सकता है। बेसिकली कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हुए हैं जिसमें एपिक्स को आईपैड पे खेला जा रहा था एंड उसमें मैक्स 89.3 FPS निकल रहे थे, जिसका मतलब गेम में 90 FPS का सपोर्ट होने वाला है। वैसे इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास 60 FPS पे गेमिंग कराने वाला फोन तो होता नहीं, 90 तो बहुत दूर की बात है। आप रेगुलर कितने FPS पे मोबाइल गेमिंग करते हो मुझे बताना कमेंट्स में। फिर बात करते हैं GTA 5 लाइट की, तो काफी लोग मुझे बता रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल जो है वो टेक डाउन हो गया है। तो बेसिकली लेविटेशन 4D ने आगे आकर वीडियो बनाई कि जो उसने ट्यूटोरियल बनाया था GTA 5 लाइट को इंस्टॉल करने का, वो एक्चुअली यूट्यूब ने डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट मार्क करके हटा दिया है। मतलब ना ही उस वीडियो में पायरेसी है ना ही कुछ डेंजरस, सिंपल से फ्री मॉड्स का ट्यूटोरियल होता है जिसे यूट्यूब टेक डाउन कर देता है, तो इसलिए टाइम का बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता उस पर फोकस करना। फिर उसने आगे ये भी बताया कि उसकी ऑलमोस्ट आधी ऑडियंस इंडियन है, जिसकी वजह से हाँ सपोर्ट तो काफी है पर पैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ लोग यूट्यूबर्स को बिकाऊ बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि इंडिया का गेमिंग यूट्यूबर कुछ भी नहीं कमा रहा होता है मेटा या फिर दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब 10 गुना तक का फर्क होता है। एंड यही चीज लेविटेशन ने भी बताई कि उसके 5 महीने की पूरी मेहनत का उसको कुछ भी रुपया नहीं मिला। तो एंड एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को एप्पल एप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अब इसका रीजन क्या है वो समझ नहीं आ रहा, बस ये है कि जिनके पास वो गेम्स ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल्ड वो तो इसे खेल पा रहे हैं, बट अगर आप अभी एप स्टोर पे जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट अभी तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तो अवेलेबल नहीं है। अब इसका रीजन क्या है वो नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी जो क्राफ्टन ने इनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था उससे कुछ हुआ हो, उसकी वजह से गेम हटाए गए हो, तो वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन अभी हमें कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं है। ना ही गरीना ने, ना ही फ्री फायर ने और ना ही गूगल या फिर एप्पल ने आगे आकर हमें बताया है इनको हटाने का रीजन क्या था। फिर भी एक लेटेस्ट अपडेट आया है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एंड उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने 50 एप्स को बैन कर दिया है इंडिया में, और ऐसा माना जा रहा है कि फ्री फायर भी उन 50 एप्स में से है। उसके अलावा कुछ ऐसी एप्स जो कि पिछले साल बैन हुई थी लेकिन उनके क्लोन बनके वो वापस आ गई, उनको भी बैन कर दिया गया। तो देखते हैं अगर स्टोरी में कुछ और अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। भाई ब्लॉक्सर गेम्स ने जब GTA 6 अनाउंस कर दिया तो उसकी पेरेंट कंपनी टेक टू के बॉस टॉस जेलनिक भी अब उसके
बारे में बोल सकते हैं। उनसे पूछा कि भाई GT6 के चक्कर में GT5 की सेल्स तो कम नहीं हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि होने दो, फैंस चाहते हैं GT6 आए तो उन्हें वो मिलेगी। एंड वो बहुत खुश है कि Rockstar Games ने GT6 अनाउंस कर दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भले ही मल्टीप्लेयर गेम्स कितने ही पॉपुलर हो जाए पर वो सिंगल प्लेयर गेम्स के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे एंड वैसे ही गेम्स बनाते रहेंगे क्योंकि उनके गेम्स स्टोरी टेलिंग के लिए भी जाने जाते हैं। बाकी उनसे पूछा गया कि और बताओ GT6 के बारे में और कुछ डिटेल्स दो, तो उन्होंने कहा कि वो तो Rockstar ही बताएगा, उन्हें जैसे जैसे सही लगे वो GT6 के बारे में खुद ही बताते रहेंगे। तो मेरे को इस बार उनका एटीट्यूड काफी अच्छा लगा। माइनक्राफ्ट में आपको बताइए कि एक नया अपडेट आने वाला है इस साल। अब इस अपडेट में आएंगे फ्रॉग्स एंड माइनक्राफ्ट ने थोड़ा बताया कि फ्रॉग्स क्या क्या कर सकते हैं। तो अपनी लंबी सी जीभ से छोटे स्लाइम्स एंड मैग्मा क्यूब्स को खा सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट बेडरॉक के बीटा में लोग उसे टेस्ट भी कर पा रहे हैं एंड इसके जो डेवलपर है वो फ्रॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ईट मॉब फीचर के साथ, जिसमें उन्होंने ये डाल दिया कि फ्रॉग्स गोट को भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेंज एंड फनी भी है। और तो और वो उसे हटाना ही भूल गए। अब हर कोई जो बीटा खेल रहा है वो इन फ्रॉग्स के इस खतरनाक फीचर को देख पा रहा है। बाद में उन्होंने इसे फिक्स कर दिया, लेकिन भाई सही में कितना अजीब और फनी है। वैसे आप क्या चाहते हो, कि ये फीचर रहना चाहिए या जाना चाहिए? फिर रिसेंटली Rockstar ने कुछ सेल्स रिकॉर्ड शेयर किए हैं। तो भले ही GTA Trilogy द डेफिनेट एडिशन में इतने सारे ग्लिचेस थे, बट फिर भी उसके अराउंड 10 मिलियन कॉपीज यानी कि 1 करोड़ गेम्स बिकी हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। बेसिकली पूरी GTA सीरीज की 370 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं एंड उनमें से GTA 5 की 160 मिलियन है और 5 मिलियन बढ़ गई है। मतलब GTA 5 की हर 6 मंथ में 1 करोड़ कॉपीज बिक रही हैं। तो अगर पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाए देन पूरी GTA सीरीज की 15 मिलियन एक्स्ट्रा कॉपीज बिकी हैं एंड इसमें से 5 मिलियन तो GTA 5 की हो गई, जिसका मतलब GTA Trilogy द डेफिनेट एडिशन की 10 मिलियन कॉपीज बिकी होंगी। इनके अलावा RDR 2 की भी 43 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। इस साल एक नई कॉल ऑफ ड्यूटी अनाउंस हो गई है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल ये आती है। 2022 में 2019 वाली मॉडर्न वॉरफेयर की सीक्वल आएगी, जिसे इन्फिनिटी वॉर ही बना रहे। उसके अलावा वॉरजोन 2 भी आ रहा है, जिसमें उनका कहना है कि बैटल रॉयल में बहुत चेंजेस आएंगे एंड बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया है। उसके साथ एक नया सैंडबॉक्स मोड भी आएगा। फिर एक नया गेम इंजन भी आ रहा है जो कि दोनों गेम्स को पावर करेगा। सो लेट्स सी कि इस साल की कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि कॉल ऑफ ड्यूटी फैंस चिंता न करो, सारे गेम्स प्लेस्टेशन पे आएंगे एंड सीओडी कभी भी एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्विजिशन पे ना गवर्नमेंट भी बीच में आ जाती है। अब इन कंपनीज पे इतना पैसा है एंड अगर ये ऐसी छोटी छोटी कंपनीज को खरीदते रहेंगे तो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा एंड इससे नए बिजनेसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो यूएस की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अब सीओडी भी प्लेस्टेशन पे आती रहेगी एंड अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कह दिया कि वो सीओडी एंड बाकी एक्टिविजन गेम्स को निंटेंडो स्विच पे भी लाएंगे। अब चलते हैं 5-in-1 न्यूज की तरफ। तो भाई लोग बैटलफील्ड 2042 पे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो गेम को बेचने के लिए एडवर्टाइज किया गया था वो उन्हें नहीं मिला। अब एक पिटीशन स्टार्ट हो गई है गेम को रिफंड करने की एंड ईए पे केस करने की, जिसपे ऑलरेडी 1,80,000 लोगों ने साइन भी कर दिया है। रेजिडेंट ईविल 4 रीमेक के लीक्स आए हैं, जो बताते हैं कि कैपकॉम इसे एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं बनाएगा बल्कि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया जाएगा एंड इवन इससे ज्यादा स्केरी बनाया जाएगा। बियॉन्ड गुड एंड ईविल 2, जिसका एक बड़ा हिस्सा इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है, वो भी प्री प्रोडक्शन में ही है। मतलब इतने सालों से बन रहा है लेकिन फिर भी इसकी कोई क्लियर रिलीज विंडो नजर नहीं आ रही। देन असैसिन्स क्रीड वैलहैला की एक्सपेंशन आने वाली है, जो अब एक अलग गेम की तरह रिलीज होगी एंड ये इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर आ सकती है। क्राफ्टन भी अब वेब 3.0 की रेस में कूद रहा है और वो अपना खुद का NFT मेटावर्स भी बना रहे हैं नेवर के साथ मिलके। तो यही था गाइस आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।